नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के फोटो को देश में जगह जगह जलाए जाने के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए भाषण से भाजपा के लोग काफी नाराज हैं। ये लोग हमारे नेता के फोटो को पुलिस प्रशासन के सामने जला रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के घर के बाहर भी फोटो जलाने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हमारी मांग है कि इन सब घटनाओं पर रोक लगाई जाए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान व तौकीर आलम ने कहा, देखिए आपको बता दें कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तिल मिलाई हुई है, क्योंकि उनके झूठ का कच्चा चिट्ठा जो है संसद में उजागर हो चुका है, जिससे एक झूठ छुपाने के लिए वो 100 झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। जैसे नीट की परीक्षा जिसमें जिस तरह का पेपर लीक हुआ था, और राहुल गांधी जी ने संसद में इस बात को उठाया जिससे भाजपा सरकार तिल मिलवाई है। और ये है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के पुस्तैनी मकान के पास, इन्होंने उनका पुतला जगह जगह जलवा रहे हैं, हर जिले में जलवा रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के दम पर जलवा रहे हैं, जो काफी निंदनीय है। आज जिसको लेकर के राज्य आज महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं प्रदेश प्रदर्शन के माध्यम से, और इनको इस तरह की जो कृत कर रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग है कि इनके पर कार्रवाई हो, और आदरणीय मोदी जी जनता के सामने माफी मांगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके भाजपा पूरी तरह से जो है परेशान हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। सत्र के दौरान पार्लियामेंट के अंदर जो इनकी जो नीत थी और जो इनकी नियत थी, उसको उजागर करने का काम, चाहे नीट परीक्षा हो, यूपीजी हो, या जितने भी मामले हों, उस पर जब राहुल गांधी जी ने बोला तो उस पर जो भाजपा के लोग और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी जो है एकदम पूरी तरह से बौखला चुके हैं। और उन्हीं को लेकर के जो है हमारे जो है नेता का जो है पुतला जो है पोस्टर जलाया गया, पुतला जलाया गया, ये पूरे प्रदेश के अंदर जो ये कार्यक्रम को कर रहे हैं वो इसलिए कि ये जो है राहुल गांधी जी से डर गए हैं। राहुल गांधी, कल विपक्ष हमारा कमजोर था, आज विपक्ष हमारा बहुत मजबूत है। आज हमारे बात को सुनने के लिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे जो है ये इनको खामोश कराया जाए, और वो खामोश कराना चाहते हैं। राहुल गांधी जी खामोश होने वाले में तो नहीं है, उन्होंने जो है जो बात सच थी वो जनता के सामने वो लेकर के आए हैं। और हमारी आज की ये मांग है, जिला अधिकारी के कार्यालय पर हम लोग उपस्थित हैं, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि इस तरह से जो कृतक जो कर रहे हैं, हम अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा कायम होता है, और वो अगर जो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुतला फूक रहे हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं काम हो रहा है? दो तरफा काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग जो है आज ने पर निरंतर जो है इस तरह से अगर दोहरा क्षेत्र किया गया तो हम लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को जो है कांग्रेस पार्टी की बात को जो है भारतीय जनता पार्टी तक जो है पूरे देश तक जो है और आम जनता तक सुनाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशन्स ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर